हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम EL 208 ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से कैपेसिटर और कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कैपेसिटर माइक्रोफोन की बेसिक प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, क्या उसकी वर्किंग होती है, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अदर फीचर्स और एप्लीकेशंस, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर माइक्रोफोन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे यह वर्क करता है। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कैपेसिटर माइक्रोफोन है तो हमें जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा वो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में चेंज होने की वजह से मिलेगा। इसे ही डिटेल में देखते हैं। When capacitance of capacitor changes, the charge on the capacitor tends to remain the same and hence voltage changes in accordance with V equals to Q by C, where V voltage across C, Q charge in coulombs, C capacitance in farads. तो चूंकि ये रिलेशंस हम सभी जानते हैं वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच में, V equals to Q by C, तो अगर कैपेसिटर के बीच के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है तो वोल्टेज और कैपेसिटर में इन्वर्सली रिलेशन होने की वजह से जिस टाइप से कैपेसिटेंस में चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग वोल्टेज में भी चेंज होगा। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू में इंक्रीज हो रही है हो रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू में डिक्रीज होगा। तो इस टाइप से कैपेसिटेंस में चेंज होने की वजह से वोल्टेज में भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है। यही कैपेसिटर माइक्रोफोन या फिर कंडेंसर माइक्रोफोन का बेसिक प्रिंसिपल है। चूँकि हम जानते हैं कि माइक्रोफोन में डायफ्राम जो है वही मेन ट्रांसड्यूसर कंपोनेंट होता है साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने में, तो ये जो डायफ्राम है ये यहाँ पे कैपेसिटर की एक प्लेट की तरह कार्य करता है, और जो दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की वो बैक प्लेट भी कह सकते हैं हम उसे, वो प्लेट फिक्स होती है। तो जैसे ही माइक्रोफोन के डायफ्राम पे साउंड प्रेशर लगता है तो डायफ्राम में इस टाइप से मूवमेंट होते हैं, मीन्स डायफ्राम ऑसिलेट करता है, तो डायफ्राम में इन मूवमेंट्स की वजह से कैपेसिटेंस में चेंज होता है। कैसे? चूंकि कैपेसिटेंस और डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन हम जानते हैं, सी इक्वल्स टू सी सी यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। डी जो है यहाँ पे वो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है। इस टाइप से हम सपोज कर लेते हैं दो प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट मैंने बताया कि ए डायफ्राम जो है माइक्रोफोन का वो एक प्लेट की तरह वर्क करता है, और ये जो बैक प्लेट है वो दूसरी प्लेट जो है वो बैक प्लेट है जो कि फिक्स्ड रहती है। तो साउंड प्रेशर जैसे ही इस डायफ्राम पे लगता है तो डायफ्राम में मूवमेंट होता है। डायफ्राम पे जैसे ही प्रेशर लगेगा तो अगर डायफ्राम अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर डायफ्राम को प्रेस करेगा साउंड प्रेशर तो अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है तो दोनों की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम हुई। तो डिस्टेंस अगर कम हो रही है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि सी और डी में क्या है इन्वर्सरी रिलेशन। तो डायफ्राम जैसे ही साउंड प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ मूव करता है तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, इंक्रीज, एंड व्हेन इट मूव्स आउट द कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। और अगर डायफ्राम जो है वो इस टाइप से बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ मूव हो रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस में क्या होगा, फिर डिक्रीज। तो इस टाइप से जो कैपेसिटेंस में चेंज हो रहा है डिस्टेंस में दोनों प्लेट्स की साउंड प्रेशर की वजह से, बेसिकली साउंड प्रेशर की वजह से डायफ्राम में कंप्रेशन, डायफ्राम एक बार अंदर की तरफ मूव कर रहा है एक बार बाहर, इस टाइप से ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, उसी अकॉर्डिंग क्या हो रही है कैपेसिटेंस में भी चेंज।
तो ये जो कैपेसिटेंस में चेंज है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट वोल्टेज में भी चेंज हो रहा है। यही कैपेसिटर माइक्रोफोन का क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। इसीलिए इस कैपेसिटर माइक्रोफोन को प्रेशर माइक्रोफोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटर माइक्रोफोन की स्ट्रक्चर के बारे में। कैपेसिटर माइक्रोफोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो चूंकि अभी हमने बेसिक प्रिंसिपल में देखा है कि जो कैपेसिटर माइक्रोफोन में जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनमें से एक प्लेट क्या होती है, डायफ्राम। तो यहाँ पे ये मेटल डायफ्राम है इसकी स्ट्रक्चर में। ये कैपेसिटर की एक प्लेट की तरह कार्य करता है जो कि इन सपोर्टिंग स्प्रिंग से कनेक्टेड है। जो कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट की तरह यहाँ वर्क करती है वो ये है मेटल बैक प्लेट, जिसे हम बैक प्लेट भी कह रहे हैं। ये फिक्स्ड होती है और ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती हैं इंसुलेटर के द्वारा। तो जो साउंड प्रेशर है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है डायफ्राम पे, जिसकी वजह से डायफ्राम में मूवमेंट्स होते हैं इस टाइप से। उसी वजह से इन प्लेट्स के बीच की क्या है, डिस्टेंस चेंज होती है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। कैपेसिटेंस में चेंज की वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज में भी चेंज मिलेगा। यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है दोनों प्लेट्स के बीच से। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट वेट मेटल डायफ्राम, जनरली एल्यूमिनियम, विच इज सस्पेंडेड अबोव ए फिक्स्ड मेटल बैक प्लेट। ये जो डायफ्राम है वो जनरली एल्यूमिनियम का बना होता है, ये इस मेटल बैक प्लेट के ऊपर लगा होता है इस टाइप से। द कैपेसिटेंस आर नियर ईच अदर एंड फॉर्म ए कैपेसिटेंस ऑफ फ्यू पिको फेरेड। प्लेट्स जो है ये एक दूसरे के बहुत ही पास होती हैं, इतने पास होती हैं कि ये पिको फेरेड की कैपेसिटेंस भी जनरेट कर सकती हैं। इनसे इनसे बहुत ही लेस वैल्यू की पिको फेरेड में हमें कैपेसिटेंस मिलेगा। फिक्स्ड डीसी वोल्टेज लगभग 50 से 100 वोल्ट को हम बैक प्लेट और इस मूवेबल प्लेट के बीच में अप्लाई करते हैं। तो डायफ्राम जो है वो इन सपोर्टिंग स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है और इस टाइप का जो ये माइक्रोफोन, इनका कैपेसिटेंस है वो लगभग 30 पिको फेरेड होता है। ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंसुलेट होती हैं। तो ये था इस कैपेसिटर माइक्रोफोन के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट है कैपेसिटर माइक्रोफोन की वर्किंग के बारे में। वैसे तो इसकी वर्किंग बेसिक प्रिंसिपल से क्लियर हो गई होगी, इसे ही फिर से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो चूंकि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, तो फर्स्ट जो प्लेट है डायफ्राम उस एक प्लेट की तरह वर्क करता है और जो दूसरी प्लेट है जो कि फिक्स्ड रहती है बैक प्लेट, को यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं जिनमें से एक कौन सी है, डायफ्राम, ये झिल्ली जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो साउंड वेव जैसे ही डायफ्राम पे प्रेशर डालती है तो उसमें इस टाइप से मूवमेंट होता है, मीन्स ये ऑसिलेट करता है इस टाइप से। दो टाइप की कंडीशन इसमें अगर होती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन की कंडीशन में ये जो डायफ्राम है ये अंदर की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही इसमें अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है कंप्रेशन में, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। तो अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो कैपेसिटेंस क्या होगा इस रिलेशन से, इंक्रीज। इन्वर्सली रिलेशन है सी और डी के बीच में। डी यहाँ पे क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। जो डिस्टेंस अगर कम हो रही है कंप्रेशन की कंडीशन में तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। और जैसे ही रेयरफेक्शन की कंडीशन होती है, मीन्स डायफ्राम बाहर की तरफ आ रहा है, तो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज हो रही है डी, अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, चूंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन है। तो इस टाइप से साउंड वेव्स की वजह से जो डिस्टेंस में, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस में चेंज हो रहा है। और इसी कैपेसिटेंस में चेंज होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज में चेंज होता है। या फिर हम इसे डायरेक्टली डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से वोल्टेज में भी चेंज होता है। तो द चेंज इन कैपेसिटेंस रिजल्ट इन चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, सी इक्वल्स टू के ए बाई डी एंड वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी एंड वी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो क्यू डी बाई के ए, अगर वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में हम रिलेशन देना चाहते हैं। तो चूंकि कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, कॉन्स्टेंट, और के चूंकि डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, और ए एरिया भी कॉन्स्टेंट है, तो ये अगर टर्म कॉन्स्टेंट है तो V वोल्टेज और डिस्टेंस में क्या रिलेशन हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू D। मीन्स हम क्या कह सकते हैं,
कि वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू साउंड वेव्स. मीन्स जो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस में जिस टाइप से चेंज होगा आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशन होगा. और ये जो डिस्टेंस में चेंज है इसका क्या रीजन है? ये इसका रीजन है साउंड वेव्स की वजह से जो प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से दो कंडीशन अकर हो रही है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. इस टाइप नेक्स्ट कैपेसिटर माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किस टाइप से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो फर्स्ट है सेंसिटिविटी कैसी होती है. तो सेंसिटिविटी का आउटपुट इसमें बहुत ही कम आता है. मीन्स 0.15 का साउंड लेवल या 1 माइक्रोबार के लिए हमें ओनली 3 मिलीवोल्ट का आउटपुट मिलता है, जबकि इसमें एम्पलीफायर जो है वो माइक्रोफोन के अंदर ही होता है. पर हमें इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें आउटपुट बहुत ही कम है. सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है इसका वो बहुत ही अधिक है, लगभग 40 डेसिबल के अकॉर्डिंग. फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है वो भी अच्छा मिलता है, अच्छी काफ़ी अच्छा मिलता है, एक्सीलेंट इसे हम कह सकते हैं. प्लस माइनस 1 डेसिबल एम्पलीट्यूड के लिए 40 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक हमें फ्लैट रिस्पॉन्स मिलता है. मीन्स काफ़ी अच्छा हमें फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसमें मिलता है. आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो इसका वो भी बहुत ज़्यादा होता है, 100 मेगा ओम के अराउंड. और डिस्टॉर्शन जो है वो भी वो इसमें बहुत कम होता है, लगभग 1% होता है इसमें. मींस डिस्टॉर्शन भी इसका बहुत कम है. डायरेक्टिविटी जो है वो है ओमनी डायरेक्शनल इसमें होती है. नेक्स्ट कैपेसिटर माइक्रोफोन के कुछ अदर फीचर्स क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं. इट नीड्स एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई, मीन्स इसमें बाहरी डीसी पावर सप्लाई की भी आवश्यकता पड़ती है. इट इज़ वेरी डेलिकेट, ये बहुत ही डेलिकेट होता है, क्योंकि जो मूविंग प्लेट है डायफ्राम और जो फिक्स्ड प्लेट है बैक प्लेट, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही कम होता है. ये हमने अभी देखा भी था और इसके कंस्ट्रक्शन में कि दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि हमें पीको फैरड तक कैपेसिटेंस मिलता है. इट कैन नॉट विदस्टैंड एक्सेसिव हीट, मीन्स ये जो गर्मी में ये नुकसानदायक कह सकते हैं हम, ये ज़्यादा हीट में ये काम नहीं करता है. मॉइस्चर इज आल्सो हार्मफुल टू कंडेंसर माइक्रोफोन, और मॉइस्चर भी कंडेंसर माइक्रोफोन के लिए हार्मफुल है. इसकी वजह से मीन्स कंडेंसेशन में जो है क्रेकलिंग की आवाज़ आ सकती है. इट इज़ कॉस्टली बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी ऑफ डीसी बायस, डीसी बायस की चूँकि इसमें नीड होती है इसकी वजह से ये कॉस्टली होता है. नेक्स्ट है कैपेसिटर माइक्रोफोन की एप्लीकेशंस के बारे में, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है. एज स्टैंडर्ड माइक्रोफोन फॉर कैलिब्रेटिंग अदर माइक्रोफोन, कैपेसिटर माइक्रोफोन को दूसरे माइक्रोफोन को कैलिब्रेट करने में एक स्टैंडर्ड माइक्रोफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं. एज साउंड लेवल मीटर, साउंड लेवल मीटर में इसका यूज़ होता है. एज हाई फिडेलिटी रिकॉर्डिंग, मीन्स इसका हाई फिडेलिटी रिकॉर्डिंग में यूज हो सकता है, मीन्स प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग में हम इन्हें यूज कर सकते हैं. तो इस टाइप से ये आज का लेक्चर था हमारा कैपेसिटर माइक्रोफोन के बारे में. होप आप सभी को समझ में आएगा आया होगा. थैंक यू.